Where are you from, sir? I live in some New Zealand sometimes. Okay, you're from England. New Zealand. Portugal, I live in Portugal. Okay. Also, I work in Portugal. And I'm mistaken. I've been here before. All my body's aching. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो मैं जा रहा हूँ गोवा के लिए, तो मम्मा मेरे लिए स्पेशल उठी है। थैंक यू सो मच मम्मा। तो सीधा कर जा लेट। चलो बाय मम्मा, बाय। ए फ्यू मिनट्स लेटर। तो गाइस आ गए हम लोग एयरपोर्ट और अब हम जा रहे हैं अंदर एंट्री करने। और ये देखो भाई, टर्मिनल टू है हमारा अभी। ये अपनी बोर्डिंग है और ये देखो राठौड़ साहब, दुलेसर और राय। तो गाइस फाइनली चाय लवर चाय उससे चाय पी रहा है, क्योंकि विदाउट चाय तो देखो। और अभी वेटिंग कर रहे हैं हम अपने, और हमारा है 23 गेट नंबर। गाइस अब इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, ये क्या है? बहुत जरूरी है पढ़ना, फर्स्ट टाइम है ना मेरा। इन ये बहुत लकी, इनको विंडो सीट मिल गई, 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। चाय मिल गई, सुकून मिल गया भाई, अब हम अभी चाय पी रहे हैं। ये देखो बैग बहुत टाइम बाद आया, पहले ये ट्रॉली वाले आ रहे थे, फिर ये वाला बैग आया, हमारा बहुत पहले आ गया था। चलो तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए गोवा। गो गोवा गोन, फाइनली फीलिंग हैप्पी। चलो गाइस अब निकल रहे हम बाहर की साइड, और अब आप लोगों को गोवा सीरीज देखने को मिलेगा। स्केटिंग ने जिंदगी में हर चीज दिया हमें, एक अच्छी मेमोरीज, एक अच्छी ट्रिप, एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा स्टूडेंट, ना एवरीथिंग। और देखो भाई ये बटमाइजर, जितने भी लोग भाई, किसी ने मुझसे कहा था गोवा में ना पानी से ज्यादा सस्ता है बियर, और एंट्री आती लिखा हुआ है गोवा लिखा हुआ इधर। तो फिलहाल हम बस में ही ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज़ क्या है ना गाइस, बस से हमें पणजी जाना है, पणजी से डायरेक्ट जाता है कर्नाटका के लिए। हेलो सर, हाय रे, वेयर आर यू फ्रॉम सर? आई लिव इन सम न्यूजीलैंड समटाइम्स। ओके, यू आर फ्रॉम न्यूजीलैंड? पोर्चुगल, आई लिव इन पोर्चुगल। ओके, आई वर्क इन पोर्चुगल। ओके ओके ओके, सो फाला पोर्चुगीज? नो नाउ, नो यू टेक फाला पोर्चुगीज? We are planning for international trip though, definitely. We will come. I've just come from England. Okay, definitely I will come with my friends, okay. Then 3 weeks. Okay. New Zealand. New Zealand, okay. I love New Zealand team. Yeah. I always support New Zealand team. Okay, thank you sir. Yeah, they're very okay. चलो गाइस अब सर भी मिल गए New Zealand से, तो अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि international लोग मिलते हैं ना, हमें भी एक अच्छा सा फील होता है। हिंदी समझ में आता है? Hindi, you know Hindi, little bit Hindi? No. You don't know Hindi? Hollanders, Dutch, I can speak Dutch. Okay. A little Arabic. Okay. A little Arabic. Un peu français. Okay. Un peu Portuguese. Okay. English. Nice. Okay, nice to meet you, sir. Nice to meet you, sir. Okay. Thank you so much, भैया, guide करने के लिए। मतलब कोई भी अगर आएगा तो आप बता दो, अगर कोई गोवा आ रहा है तो कैसे पैसे बचा सकते हैं यहाँ से कर्नाटका जाने के लिए, बेलगांव आने जाने के लिए, बताओ। ये बस में गया तो अच्छा है, टैक्सी का भाड़ा कितना है मालूम है आपको? 2500 तो रहेगा। ओके, यहाँ से मडगांव जाने के लिए तो बस में 400 है, तो अच्छा है ना? अच्छा है, तो यहाँ से मतलब पणजी जाएगा, वहाँ से बसेस मिलती रहती है? हाँ। वहाँ से कितने रुपए बसेस होते हैं? रहेगा शायद 200 बस। चलो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे साथ सर भी है, तो बहुत अच्छा ट्रिप कटने वाला है ना। ओके वेलकम। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खाने का, अगर मेरे तो कपड़े अंदर ही, अगर ये बस चली गई ना तो मैं तो गोवा में विदाउट कपड़े घूम रहा हूँ। ये देखो नंबर भी ले लेता हूँ भाई, ये है GA0707 इज माई लकी नंबर, और ये देहरादून का कोड भी है, तो ये है। चलो चलो गाइस खाते हैं कुछ, गोवा पहुँच चुका हूँ मैं। ये छोले इतने बढ़िया है ना, आलू की सब्जी इतनी बढ़िया,
गोवा आके भी चाय स्टार्ट कर ही दिया। तो गाइस गोवा के चाय गोवा में देखो ऐसे मिलता है चाय। तो गाइस ये बस जा रही है हमारी भाई, तो ये बस मुझे टेंशन हो रही है कि बस ना चले जाए भाई, बस छूट जाती है ना तो दिक्कत होती है। और मैं टेंशन, मैंने पहले व्लॉग बना लिया कि भाई कल को कुछ ऊपर नीचे हो, मेरे कपड़े उपड़े सब इसी के अंदर है। साइमन चलो चलो चलते हैं ऊपर। हम तो डर गए कि आप हमें छोड़ के जा रहे हो। हाँ यार टाइम नहीं हुआ, दिल की धड़कने बढ़ गई थी, मैं तो बस हार्ट अटैक से गिरने वाला था। तो गाइस ये देखो भाई बहुत सुंदर जगह, ये मेमोरीज बन रही बड़ी अच्छी अच्छी से। देखो भाई घर कैसे, घर पुराने हैं, पुराने पुराने। ओ भाई समुंदर का टुकड़ा है, सुंदर है। लेटर। सो गाइस हम आ गए पणजी और अभी हम अपना दूसरा रूट चेंज करने जा रहे हैं। हम जाएंगे अब यहाँ से बेलगाम, तो अभी पता नहीं हम कहाँ पर है। अभी पालिका जैसा एक मार्केट है और वो कह रहे जैसे भी कुछ कह रहे उधर हम इधर लगे उधर आए। ये बस स्टैंड है यहाँ का पणजी का। गाइस ये देखो ये जाता है सावंतवाड़ी और ये जाता है देखो पुणे मिराज और ये जाता है बेलगावी। तो हमारी बस ये वाली है, तो ये रहा यहाँ पे सब पता चल जाता है। तो अब हम जा रहे हैं बेलगावी और अपन के भाई लोग इसी में आ गया, आ गए, आ गया। चलो भैया आ गए, धन्यवाद जा भैया, वॉशरूम भी होके आ गया हल्का। तो आ गए टिकट वाले भाई साहब, यही वाला जाता है रूट नंबर 5 लिखा है ना उसमें बेलगावी जाता है। ये सही है गाइस, यहाँ पे एसी वाला रात को जाता है, वो जाता तो है रात के पर। कैसा लगा हमारा डिसीजन? बिल्कुल सही रहा, मतलब हम ये मान लो हम जा रहे हैं बेलगावी, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ है 200 रुपये में, यहाँ से जा रहे 150 या 200 रुपये जो भी टिकट लगेगा, 400 रुपये बस स्टैंड से स्कूल तक की दूरी है जो भी है। तो अभी पहले पहुंच जाए वहां तक, और अभी हालत जो खराब है बता रहे थे कि 4 घंटे लगेंगे। भाई कहाँ जा रहे हो? बेलगाम ही जा भाई, एकदम साउथ इंडियन मूवी के हीरो लग रहे एकदम गाइस, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई शूटिंग वूटिंग के लिए जा रहे हैं भाई। यहाँ से बैंगलोर आगे जाना है, आगे जाना है, बैंगलोर जाना है ना। बैंगलोर कितना टाइम लगेगा बैंगलोर? कितना सुंदर जगह देखो, ये देखो भाई बहुत सुंदर है भाई। मैंने ना इधर वो वाला जो क्रूज है ना इधर कहीं इसमें राउंड लगा रखा है, कोई नहीं आते समय वापस लगा लेंगे। तो गाइस खड़ी रहती है वो देखो, कैसीनो होता है, कैसीनो वाले हैं सारे क्रू। कैसीनो खेलोगे क्या? मैं कैसीनो नहीं खेलूंगा। चलो गाइस अब आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखो गाइस हर जगह पाओ पाओ पाओ। अब हम रुके हुए इस वाले ढाबे में, तो अभी कुछ खाएंगे। ये देखो भाई मेन्यू है यहाँ पे, ये रहा, ये सारी चीजें यहाँ पे देखो। तो अभी कुछ खाएंगे, हमारा बस हो रहा सामने। ये देखो भाई कर्नाटका के ए लिखा हुआ है, ये पता नहीं तमिल तेलुगु कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ, और पीछे बैकग्राउंड देखो कितना सही लग रहा है। देखो बस कैसे जगह खड़ी है भाई, बिल्कुल ही ना, ये अच्छी एक अच्छी सी मेमोरीज बना लो। कैसे देखो पहाड़ भी है दूर दूर तक ना पूरा। तो अब हम कुछ खाने के लिए रुके और मोस्ट प्रोबेबली कुछ अच्छा ही खाएंगे, बिकॉज ना 6:30 लग जाएंगे हमें स्कूल में पहुंचने के लिए। गाइस अभी भी फिर वही खा रहे हैं हम, बड़ा पाव, पाव भाजी हमारा यही है यहाँ पे आके, ये देखो पकोड़े। तो अभी हम चाय पियेंगे, अपन लोगों की चाय भी आ रही है। तो ये है पकौड़े, ठंडा है पकौड़े, ठंडा है। चार्ज इसका है अच्छा। अब यहाँ से 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे हम अपने मंजिल के पास। सो गाइस हम पहुंच गए हैं बेलगाम कर्नाटका, और वेदर देखो कितना अच्छा है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया, बढ़िया लग रहा है ना, सुंदर है यार कसम से। अब हम यहाँ से करेंगे ऑटो। ये देखो ट्रैफिक देखो यहाँ पे, मैं क्या हम सड़क पे चल रहे हैं और यहाँ बाजार है, यहाँ बाजार है। अब समझ में नहीं आ रहा टमाटर बचेगा कि नहीं। ये देखो गाइस कोई रूल नहीं है, क्या टमाटर की जान खतरे में।
बताओ यार, सच में यार, मतलब हमें 10 मिनट की दूरी में जा रहा है, आधा घंटा लग जाएगा लग रहा है। सही नहीं, किसी ने सही कहा था कि बेंगलोर में भी बहुत ट्रैफिक लगता है, यहाँ से ही पता चल रहा है मेरे को भाई, मेरे को तो टेंशन है टमाटर का पे चक जाए। ये है टमाटर एक लेवल में रुकेंगे ना ये तो सारे सब मतलब आगे पापा की परी भी है यार, मतलब इतने पेशेंस है हमारे वहाँ तक, इतने में तो हमारे यहाँ लड़ाई हो जाती है, रूल ही नहीं है ना, पेशेंस है लोगों के अंदर। हमारे यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, वो लाइन क्रॉस, हम सीधा जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने शिव गंगा स्पोर्ट्स एकेडमी, राइट? यस, तो वहीं मिलते हैं। सो गाइस पहुंच गए हम लोग, अब अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। संजय ये स्कूल है और वहाँ प्रैक्टिस हो रही है गाइस। सो गाइस फाइनली मैंने ले लिया रेस नंबर 7073। ये है किसका है, ये है हमारा अक्षदा और ये है उसकी सिस्टर इलामदी का। तो गाइस आप देख रहे हो सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन गोइंग ऑन, सिर्फ गंगा रोलर स्केटिंग। तो यहाँ पे यहाँ है, ये है नेशनल, वेलकम टू ऑल CBSE नेशनल। तो गाइस ये सारे जोन के ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं, तो आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे, ये दिल्ली की है बच्ची, और ये देखो भाई। सो गाइस सेशन ओवर हो चुका है और इतने सुकून से मिलते हैं, यहाँ की एक मोटिवेशन ही अलग मिलती है। तो अब आप लोगों को मैं सीधा मिलूँगा अपने होटल में और व्लॉग को भी होटल में एंड करेंगे। सो गाइस आ गए हम अपने रूम और काफ़ी थक चुका हूँ और जल्दी से आप लोगों के लिए गोवा की सीरीज़ आने वाली है। आज हम रुके हुए कर्नाटका में और आप लोगों ने देख लिया, आज सेशन दिखाई दिया आप लोगों को और किस वजह से है वो आप लोगों को पता चल गया। तो आज के वीडियो को ब्लॉग को यही एंड करते हैं। सो दिस इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं जाके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, लव यू एंड बाय, गुड नाइट।